नमस्ते, मैं अनीता बलूर, अनीता बलूर किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज अपन बनाएंगे रवे का हलवा। एक कटोरी रवा, आधा कटोरी घी, आधा कटोरी शक्कर ली है और एक कटोरी हम लेंगे दूध और दो कटोरी पानी लेंगे। सबसे पहले हम जिस कटोरी से हमने रवा लिया है उसी कटोरी से हमने पूरा सामग्री ली है और उसी कटोरी से हम पूरा माप लेंगे। और एक कटोरी पानी और ये दो कटोरी पानी और ये एक कटोरी दूध है, इसको भी हम पानी में मिला लेंगे। और ये कुछ केसर के धागे मैंने दूध में मिला के रखे थे, उसको भी हम डाल देंगे। और इसको हम साइड में गरम करने के लिए रखेंगे। सबसे पहले हम रवा को हम घी डाले ही रवा को भून लेंगे। बिना घी में भूंजा तो अपना रवा बढ़िया हल्का हो जाता है। बगैर घी से हमने रवे को भून लिया है, अब हम डालेंगे घी। घी थोड़ा डालेंगे और थोड़ा सा एक चम्मच घी हम बचा के रखेंगे, इसको भी डालेंगे अपन बाद में डालेंगे। फिर और घी से इसको रवे को भून लेंगे हम। कुछ हमें ड्राई फ्रूट डालना हो तो ये चिरौंजी है, काजू, बादाम और ये कुछ नारियल के टुकड़े और कुछ है पिस्ता के टुकड़े, उसको भी हम भून लेंगे। हमारा रवा अच्छा भूनकर तैयार हो गया है और इधर हमने दूध और पानी रखा था उबलने के लिए, वो भी बढ़िया गर्म हो चुका है। अब हम इसको डाल देंगे, दूध पानी को डाल देंगे हम रवा में। सावधानी से डालिएगा, ये उछलता भी है। और इसी में हम डाल देंगे इलायची पाउडर और इसमें हम डालेंगे आधा कटोरी शक्कर। आम हमारे मीठे हैं, इसी वजह से शक्कर मैंने आधा कटोरी डाली है। मैंने एक कटोरी आम का रस लिया है, इसको मैंने मिक्सी जार में पीस लिया है। पानी और दूध गर्म करके डालने से सूजी में ऐसे गुठली नहीं बनती है, बढ़िया ऐसा क्रीमी और चिकना चिकना हलवा बन के रेडी होता है। और अब हम डालेंगे जो घी हमने बचा के रखा था वो डाल देंगे। ऐसा बाद में घी डालने से हलवे में बहुत ऐसी चमक आ जाती है।
देखिए हमारा आम का शीरा बनकर रेडी हो चुका है, आम का हलवा। ये प्यान छोड़ दिया है तो समझ जाइए कि हमारा हलवा बनकर रेडी है। अब हम गैस को करेंगे बंद। देखिए अपना कितना प्यारा हलवा बनके रेडी हो चुका है, बढ़िया नरम और खाने में तो एकदम ही मुंह में जय बराबर घुल जाने वाला। आपको आज के आम के रस का हलवा बनाने की रेसिपी कैसी लगी है तो मुझे कमेंट द्वारा बताइएगा, और आप भी इस प्रकार से बना के देखिएगा, और आपका आम के रस का हलवा कैसा बना तो आपके अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय।